Assalamu alaikum dear students, I am Miss Naida. Welcome back to my class. Today I am going to recite a poem. The name of the poem is I Wonder. My dear students, the poem I Wonder is about a child who is wondering about her surroundings, who is very curious about her surroundings. The girl in the poem is wondering about all the things mentioned in the poem. This poem is written by Jenny Kirby. इस पॉइंट को किसने लिखा है? जेनी केर्बी ने इसको लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट दी गई है कि उससे इस नेचर को देखकर, अपने सराउंडिंग्स को देखकर उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। सो लेट्स रिसाइट द पॉइंट। आई वॉन्डर व्हाई द ग्रास इज सो ग्रीन एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन। यहाँ पे ये बच्चा क्या बोलता है, मैं बहुत हैरान हूँ कि ग्रास जो है वो इतनी हरी क्यों है, एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और जो हवा है ये कभी दिखाई क्यों नहीं देती है। Who taught the bird to build a nest and told the trees to take a rest? Birds को, चिड़ियों को किसने सिखाया है घोंसला बनाना, और ट्रीज जो है, दरख्त जो है, इनको किसने बोला है आराम करना। Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? यानी जब मून पूरा राउंड नहीं होता है तो उसका जो कटा हुआ भाग होता है, आधा हिस्सा होता है, वो कहाँ मिलेगा? Who lights the stars when they blow out? इन्हें तारों को कौन चमकाता है जब वो बुझ जाते हैं? And makes the lightning flash above? और आसमान में ये रोशनी कौन चमकाता है? Who paints the rainbow in the sky? आसमान में जो ये इंद्रधनुष, इसको रंग कौन भरता है? And hangs the fluffy clouds so high. और आगे जो हल्के फुल्के मुलायम जो बादल है, इनको इतना ऊपर आसमान में कौन लटकाता है? Why is it now do you suppose that dad won't tell me if he knows? यानी अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे डैड, अगर उन्हें इन सवालों का जवाब पता भी होगा तो वो मुझे नहीं बताएंगे। ये जेनी कर्बी जो है एक बच्चे के नजरिए से हमें बोल रही है। डियर स्टूडेंट्स, there are 6 stanzas and 6 couplets in this poem. इस poem में 6 stanzas हैं और 6 couplets हैं। So what is a couplet? Couplet, the successive rhyming lines in a verse is called a couplet. यानी जो couplet वो होता है जिसमें जो successive rhyming lines in a verse is called a couplet. यानी वो lines जो rhyming words से end होती हैं उनको उसको couplet बोलते हैं। Two successful lines. A rhyming words क्या होते हैं? Two words having a similar sound. वो word जिनकी similar sounds होती है उनको हम rhyming words बोलते हैं। My dear students, यहाँ पे हमें एक moral lesson मिलता है that we should appreciate and take care the nature created by our creator. इन्हें हमें उस अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए जिसने इस दुनिया को बनाया है, और इसकी हमें देखभाल भी करनी चाहिए। We should always cultivate a sense of wonder in our hearts. हमें अपने दिलों में एक sense of wonder cultivate करना चाहिए। ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, ये कौन कर रहा है, इसके लिए हमें क्या, अपने आप में एक sense of wonder cultivate करना चाहिए। Thanks.